नमस्कार, स्वागत है आपका कहानी ललिता की जुबानी में। हमारी आज की कहानी एक बूढ़ी अम्मा का दर्द, वृद्धा आश्रम। सांवली सलोनी, घुंघराले बाल और तीखे नैन नक्श वाली अम्मा को मैंने अक्सर बरगद के नीचे बैठे देखा है। पेड़ की शीतल छाया में घंटे डेढ़ घंटे बैठती, बरगद से बतियाती और अपना दुख सुख साझा करती। नाक पर सरक आए नक को ठीक करती हुई डायरी में कुछ लिखती और जब मन हल्का हो जाता घर लौट आती। मैं गवाह हूँ, अम्मा रोज़ टूटती, जुड़ती और फिर टूट टूट कर बिखरने के बाद समेटती है, संभालती है अपने आप को और एक नए भोर की उम्मीद में। पर नए हुक्मरानों के बीच उनका जीवन बद से बदतर हो चला गया। आज भी अम्मा घर से निकल पड़ी थी बिना लाठी लिए, बड़बड़ाती, लड़खड़ाती, लंबे लंबे डग भरती हुई भागी जा रही थी। वे हमारे सामने वाले फ्लैट में अपने बेटे बहू और पोते के साथ रहती हैं। घर से आज कुछ ज़्यादा ही शोर आ रहा था, पर मैं समझ नहीं पाई, खिड़की से उन्हें जाते देखा। बरगद के नीचे ही बैठेगी शायद। ओह, याद आया, बरगद को तो सड़क बनाने वालों ने दो दिन पहले ही काट डाला था। सड़क टूटी पड़ी थी, उबड़ खाबड़ रास्ते पर अम्मा कहीं गिर नहीं जाए, इस आशंका में मैं फुर्ती से सीढ़ियों से उतरी और उनके पीछे दौड़ी। मैंने आवाज़ लगाई, तेज़ धूप में कहाँ जा रही हो अम्मा? वे गर्दन घुमाकर चिल्लाई, जहन्नू में। पर रुकी नहीं, बड़बड़ाती रही, बस अब और नहीं, रोज़ रोज़ की किचकिच से तंग आ चुकी हूँ। आज तो गुस्ताखों ने मर्यादा के सारे बांध तोड़ दिए हैं। ठुकर सुहाते बोल आते तो शायद मेरी उनसे निभ जाती, पर कब तक? आज तो इंतहा ही हो गई। क्या हुआ अम्मा, बताओ तो, मैं कुछ मदद करूं आपकी? मैंने उन्हें रोकना चाहा। हाँ, मदद करो ना, वृद्धाश्रम का पता बता दो, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। अम्मा की चाल पहले से और तेज हो गई थी। मैंने मोबाइल ऑन किया और गूगल पर सर्च करते हुए पूछा, अम्मा तुम वहाँ रह लोगी? तुम्हारे रिश्तेदार क्या कहेंगे? तुम्हारे बेटे के लिए कोई क्या सोचेगा? पर वे ठान चुकी थी, सभी रिश्तों से उनका मन सालों पहले भर चुका था और आज अपने बेटे से और बहू से परेशान थी। बोली, अरे भाई, किसे फुर्सत है यह सब सोचने की? कोई नहीं सोचेगा, वक्त वक्त की बात है, वक्त बदला तो अपनों ने भी किनारा कर लिया, संतान भी बदल गई, पर यह सब छोड़ो, तुम तो पता बताओ। नेट पर उसने मुझे वृद्ध आश्रम का एक वीडियो मिल गया। मैं देखने लगी, एक बड़े हॉल में 15-20 पलंग लगे हुए थे, साफ सुथरी चादरें और तकिए भी थे। टीवी पर खबरें आ रही थी। हॉल में वार्डरोब्स बने हुए थे, पलंग पर बैठी उम्र अंदाज औरतें पुरुष आइसक्रीम खा रहे थे, पर आइसक्रीम खाते हुए न तो उनकी आंखों में चमक थी और न ही चेहरे पे खुशी, मुख पर गहरी वेदना झलक रही थी। अपनों से अलग रहने का दुख भी था। मैंने ये वीडियो अम्मा को दिखाया। हम उम्र दोस्तों की घनीभूत पीड़ा अम्मा की आँखों से आंसू बनकर बह चली थी। उनके मौन विलाप ने उन्हें भीतर से झकझोर दिया था। रोंगटे खड़े हो गए, सिहर उठी। मुझे लगा उन्हें दुखी देखकर शायद वे अपना विचार बदल लेंगी, पर मेरी धारणा के विपरीत बोली, तुम मुझे यहीं पहुंचा दो। मैं हैरान थी, अम्मा अपने इकलौते बेटे से कैसे दूर रह पाओगी? वे भी इन लोगों की तरह उदास और अनमनी सी रहेगी? घर चलो अम्मा, आप नहीं रह पाओगी वहाँ, मैंने उनका हाथ खींचते हुए कहा। मैं जानती हूँ घर छोड़ना आसान नहीं होता, पर जब घर नहीं रहे, ईंट गारे का मकान हो जाए तो जी उचटने लगता है। मैंने ये वीडियो नहीं देखती तो शायद घर लौट आती, लेकिन अब लौटना मेरी कायरता होगी। मैं अपने उम्र अंदाज साथियों का दुख नहीं देख सकती, उनके गम को साझा करूंगी, उन्हें जीना सिखाऊंगी। मैं तन से बूढ़ी हूँ, मन से नहीं,
कमज़ोर नहीं हूँ, उन्हें भी कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगी। स्वाभिमान से जीना और आत्मनिर्णय बनना उन्हें सिखाऊंगी। कहते हुए उनकी आंखों में एक पल को नमी आ गई थी, फिर संभल कर बोली, अपने आत्म सम्मान को गिरवी रखने से बेहतर है यहाँ रहना। तुम चलो ना मेरे साथ। मैं ठिठकी खड़ी रही, उनकी बूढ़ी काया को देख रही थी। शायद वे मेरे भाव समझ गई थी। बोली, काल की प्रेरणा से मेरी काया जरूर क्षण हो गई है, पर अभी आत्मबल शेष है। किसी भी सूरत में मैं मेरा मन नहीं मारना चाहती। हर वक्त शामे मशर हुई तो क्या, ना उम्मीद होना मेरी फितरत में नहीं है। लगा जैसे उनके भीतर का कोई शायर चेतन हो उठा हो। अब तक तो मैंने घर लौटने के लिए अम्मा का हाथ खींच रही थी, लेकिन अब वे मेरा हाथ खींचते हुए वृद्ध आश्रम चलने के लिए जिद कर रही थी। मुझे उनका वहाँ जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर अम्मा की जिद के आगे मैं हार गई थी। न चाहते हुए भी मैं उनके साथ चल पड़ी थी। तो दोस्तों, देखा एक वृद्धावस्था में एक अम्मा की कैसी हालत हो चल पड़ी थी। हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना है, उन्हें दुख नहीं देना है। आशा करती हूँ ये एक छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और कहानी के में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।